So, hi guys, welcome back to my channel name Study with Meenal. How are you? I hope you all are fine. And how was your preparation going on, guys? I hope it was going on amazing. Let me introduce myself. My name is Meenal Kochar. Guys, if you don't subscribe the channel, please जल्दी से जाके subscribe कर लो. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. बने रहिएगा टिल लास्ट तक क्योंकि आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग. अगर वीडियो को आज बीच में छोड़ दिया तो आई डेफिनेटली श्योर यू कि आज आप कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मिस करके जाओगे. सो आज हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ पेपर वन. डोंट मिस इट. मतलब हम आज ये देखेंगे कौन सी यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं. गाइज, ये एनालिसिस मैंने खुद ने किया है तो मैं आपको बता पा रही हूँ किस यूनिट्स में हमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. गाइज, अगर अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा. वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा. लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है. और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. सो ये आज का हमारा कोट, ज्ञान से शब्द में समझ आती है और अनुभव से अर्थ. मतलब जो हमारा ज्ञान है ना उससे क्या आएगी, हमें समझ आएगी. और अनुभव से हमें क्या मिलेगा, अनुभव से हमें उसके अर्थ समझ आएंगे. अर्थ मतलब हमें उसके मीनिंग्स को हम समझेंगे. गाइस देखो, इतना प्यारा क्यूट सा बच्चा बोल रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो. यार बच्चे ने भी कर दिया, अब तो आप कर दो प्लीज़. ओके, आई होप अब आपने कर दिया होगा गाइस. चलो, ये रहा हमारा एनालिसिस पेपर वन. पहले हम लोग फर्स्ट 5 यूनिट्स देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट के 5 यूनिट्स देखेंगे. सॉरी गाइस. फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं. जबकि रिसर्च एप्टीट्यूड में, ये मैं बता रही हूँ आपको 2018 एंड 19, और जो 2019 का जो दिसंबर और जनवरी के पेपर्स हुए ना, ये मैं उसका एनालिसिस करके बता रही हूँ, उसमें समेत इतने क्वेश्चंस मिले हैं. जबकि हमें रिसर्च में 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको पता है हमें 5 क्वेश्चंस ही मिलेंगे. मतलब एक पैसेज आएगा और उस पैसेज में से हमें 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, कम्युनिकेशन में 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. और मैथमेटिकल रीजनिंग का इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 मार्क्स के. अब हम डिस्कस करते हैं कि ना हम लोग इन यूनिट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का इस बहुत इजी है. इसमें ना सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं और लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आपको चाहिए किस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसका चाहिए, तो मैंने उसका भी एनालिसिस किया हुआ है. अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी आपके लिए. फिर रिसर्च एप्टीट्यूड में 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. 5 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे. 3 to 5 सर मार्क्स नहीं गाइस, 3 to 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे, रिसर्च के 3 to 5, जबकि टीचिंग एप्टीट्यूड के हमें 12 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे. रिसर्च में हमें जनरली टाइप्स ऑफ रिसर्च में चेक क्वेश्चन आता ही आता है. कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से जनरली क्वेश्चन आते हैं, बैरियर से क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी कभी. बट आई थिंक मैंने एक चीज़ एनालिसिस की है कि जो कम्युनिकेशन है ना उसमें से आउट ऑफ कोर्स कभी नहीं आया. सिर्फ एक आधी बार कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो आया हुआ है, बट किससे ज़्यादा बार नहीं आया. रीजनिंग, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग है वो सारी आएगी, जैसे एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एक्सेट्रा चीज़ें इसमें आएगी. ओके, चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट. एक मिनट, क्या हो रहा है गाइस. चलो अब हम देखते हैं, जब हमने ये देख लिया, एक मिनट गाइस मैं आपको ऊपर कर दूँ. फिर हम लोग देखें लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में अगेन हमें 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं. फिर DI, हम श्योर है कि हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. जैसे जिन, एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, जिनके RC ईजी आ गया उनके DI टफ आएगा, और जिनके DI ईजी आ गया उनके RC टफ आएगा. ये चीज़ मान के चलो, अगर आप कॉमर्स या मैथ्स के रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो आपको RC टफ ही देंगे, वो आपको RC ईजी नहीं देंगे. आपको RC दे देंगे, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का दे दिया, प्रॉफिट्स दे दिए, तो उसका आप एक्सपोर्ट निकालो, इम्पोर्ट निकालो, एक्सेट्रा थिंग. फिर ICT के 4 क्वेश्चन आप मान के चलो, मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. पीपल एंड एनवायरमेंट से खास क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं. मैं सॉरी गाइस गलती से मार्क्स बोल रही हूँ, बट इट इज़ 4 क्वेश्चन एंड एक्सेट्रा. और हायर एजुकेशन से हमें 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं. सो एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं. जैसे हमें टीचिंग से कितने मार्क्स के मिल गए, टीचिंग से हमें मिल गए 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन. फिर रिसर्च से 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन, RC से 5, फिर 2 से 4, मैथ्स में 6 से 8, एंड फिर ये लॉजिकल रीजनिंग. और इन सब से हमें इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. तो गाइज ऐसे करके हमारे 50 मार्क्स के पेपर्स बनते हैं.
और गाइज एक चीज और, आप MCQs भी लगाते रहो, एक मिनट रुको, वेर इज प्लेन स्लेट, आप है ना MCQs भी लगाते रहो, क्योंकि गाइज जितना ज़्यादा आप MCQs लगाओगे ना उतना आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी बढ़ेगी। तो है ना आपको खुद को पता चलेगा प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए, जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तब आपको पता चलेगा NTA का लेवल क्या है। और गाइज एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप 10 to 12 मिनट स्टडीज़ में बढ़ाओ, क्योंकि आप 10 से 15, क्योंकि आप 15 डेज बचे हमारे पास एग्जाम में। गाइज मान लो कि 16 को ही हमारा पेपर है, सो वी विल एंड वी विल अचीव इट, हमें हमारा एम ध्यान रखना है। सो वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइज आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को टेलीग्राम पे या यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके को ज़रूर आंसर करूँगी, और आपके कमेंट्स का मेरे को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो वेयर इज़ द पेन, थैंक यू सो मच गाइज, इसी तरह से पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और दूसरों की हेल्प करते रहिएगा, और थैंक यू सो मच गाइज, इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबकी हेल्प करते रहिए। बाय बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइज एक और चीज़ कॉमर्स का अगर चाहिए तो वो भी अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो वो मैं आपको बता दूंगी, कॉमर्स मैनेजमेंट HRM इन सब के भी मैंने किए हुए हैं, सो आप बोलोगे तो मैं बता दूंगी, और नहीं तो मैं कॉमर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो लाने ही वाली हूँ। सो बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, स्टडी वेरी वेरी हार्ड, बाय।